बोर्ड को मैंने इतना मारा ना, इसलिए बोर्ड को गुस्सा गया, तो वो वीडियो ही चला गया ना बोर्ड को मारने वाला। एक बार रिपीट करते हैं बदला लेंगे ना, अभी पूरा इंटरनेट गर्म हुआ, इसको मारना, इसको मारना, मारो मारो, फेंको, बोर्ड रेडी होता होता, फेंको, अभी बोलो बोर्ड रेडी होता, यस सर, होता कब रेडी होता? अब रेडी है, सीपीयू जिंदा होगा सर। उसकी सीपीयू जिंदा रहा तो अम्मा की कसम डिस्प्ले जरूर होगा। उसकी अम्मा की कसम रेडी होगा। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास इसका क्या क्या है करके। सो फर्स्ट विल गो 9981P, ये हमारा बोर्ड है। सो हमारे पास दो बोर्ड है, दो बोर्ड में आप लोगों ने ये बोर्ड को सेलेक्ट किया। लैला मजनू में मैंने बोला था इसको रिपेयर करो या 9981P को रिपेयर करो, तो आपने क्या किया, 9981P डेल वाला रिपेयर करो वाला। मेरे को मालूम है तुम्हारे को ख्वाहिश है, नया बोर्ड है, एसओसी है, कुछ सीखने के लिए टिप्स मिल जाएगा। पुराना बोर्ड थकेला बेचा तो भी 500 रुपये नहीं आता, रिपेयर का 1000 रुपये क्या मिलेगा करके आप सोचा होगा। करेक्ट है। यस सर। सो 9981P मेरे लिए क्या दे रहा है करके देखते हैं। सो विल क्लोज दिस, इट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ। एंड इन दिस 9981P हमारे पास है बायोस, बोर्ड व्यू, स्कीमेटिक्स, सब कुछ है। सो बोर्ड व्यू हम पहले ओपन कर लेंगे। अच्छा नहीं होगा। सो विल ओपन अलीग्रो, अलीग्रो, और सन्नी का ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। अलीग्रो में ओपन क्लिक करो, 9981P। बस इधर 1 2 3 को क्लिक करो, माउस को विजिबिलिटी के पास लेकर जाना और टॉप मास्क को सेलेक्ट कर लेना, टॉप मास्क में पिन, बस हो गया। और 1 2 3 क्लिक करके छोड़ देना। ये हमारा बोर्ड भी रेडी है। अब चाहे तो स्कीमेटिक्स में अभी लेटेस्ट टाइप डिजाइन आ रहा है, बॉटम और टॉप दो टाइप का स्कीमेटिक्स आ रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत आसान है। सो ये भी हम ले सकते हैं और हम स्कीमेटिक्स को भी ओपन कर लेंगे। सो एवरीथिंग इज रेडी। सो एज पर द स्कीमेटिक्स, ये तो अभी नहीं चाहिए। सो एज पर द स्कीमेटिक्स क्या होता करके देंगे, डीसी पावर सप्लाई ऑन एंड ऑफ 57। ओके, ओहो डरा दिया बोर्ड 57 करके, कोई टेंशन नहीं। 8 47 40 30 10 12 6। एक बच्चे ने पूछा मेरे को, सर मेरे को सिर्फ 30 मिलीसेकंड सीखना है, उसका फीस कितना है? कुछ लोग यूट्यूब वीडियो देख 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 के 30 मिलीसेकंड सीख लिया है और मेरे को सवाल करते हैं, सर आपने वो किया था ना, वो 30 मिलीसेकंड वो स्विचिंग ये ऐसा ऐसा किया था, मेरे को समझ में आया, मेरे बोर्ड में भी ऐसा ऐसा रीडिंग आ रहा है, तो मेरे बोर्ड में क्या फॉल्ट है? मैं बोला 30 मिलीसेकंड ये कोर्स नहीं है, ये एक कला है, एक टैलेंट है, इसको आप पकड़ नहीं सकते, इसको कोई वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसका कोई किताब नहीं होता। वो 30 मिलीसेकंड सीखना है तो मेरे पास आना है, मेरे पास आने के लिए टिकट क्या है? क्या है दस डीवीडी टिकट? कंप्लीट हाँ, 10 DVD को पूरा ध्यान से देखना, बाद में हमारे पास आना। तुम्हारे पास जो डाउट है, जितना डाउट है, जो सीखना है सीखो, ठीक है? ऑनलाइन में ऐसे ही एक दो वीडियो देखे, 30 मिलीसेकंड नहीं आता। जब मैंने इसको इन्वेंट ही किया है तो इसको कैसा यूज करना मैं ही जानता हूं ना, ऐसा थोड़ी आ जाएगा। जैसे कि अभी देखो 5 दिखा रहा है डीसी रीडिंग। सो हम ऑन ऑफ दबाएंगे, क्या ऑन ऑफ दबा के 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6, ये घोड़े का जैसा खेल रहा है। ये क्यों खेल रहा है? डीसी रीडिंग रुकना, चल तेरे लिए बढ़ाते हैं, खाना ज्यादा देंगे। चलो DC 21 कर दिया, अभी रुक। अरे नहीं रुक रहा है ना, सुनता नहीं ना ये। अच्छा ये क्लू रहता है हमारे लिए, ये क्यों नहीं रुक रहा है कोई जानता है? ये आगे जाके वापस आ रहा है, आगे जाके वापस है, तो हम इसको इधर लॉक करेंगे, ठीक है? हम इसको लॉक करेंगे हाईएस्ट 24 12 6 5, और ये वापस 6 में करके लॉक कर रहा है। हम इतना ही रीडिंग लेंगे। चलो ऑफ करके फिर देखते हैं। हम बोर्ड को ऑन किया, 12 13
पांच छ पांच छ पांच छ पांच छ पांच छ पांच छ। तो हम एक बार ऑन करके देखेंगे, इसको मैंने ट्रिगर किया और ये गया आठ आठ नौ आठ नौ आठ नौ। तो हम लिखेंगे इधर 9 8, करेक्ट। सो 12 12 इज फॉर माई ट्रिगरिंग, मैंने यहां मेरा बोर्ड रेडी है करके साबित कर दिया, मतलब माई स्टैंड बाई इज रेडी। सो 6 एंड 5, वॉट इट इज ट्राइंग टू, वाई डिड इट कम बैक, ये तो आगे जाना था, ये पीछे क्यों आया, पीछे क्यों आया। सो वी हैव एन ट्रायंगल का गेम इसमें स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, ट्रायंगल गेम सब कुछ मैंने सब बच्चों को बता दिया है जो हमारे एक्सपर्ट टीम है। अब इसके बारे में सोचेंगे, 9 8 मेरे लिए क्या बता रहा है। यहाँ क्लू एक ही चीज है ब्रदर, डांसिंग। ये 5 6 का डांसिंग, 7 में डांसिंग कर रहा है, फिर 9 आया, 8 आया, डांसिंग नहीं होना, या तो रुकना या तो आगे जाना या तो पीछे आके रुक जा, कोई टेंशन नहीं, ये आगे पीछे डांस नहीं करना। अल तेरी नाक में रस्सी, ये तो 36 37 गया, चाक दे वड्डे क्यों गया, ये हमारे लिए क्लू रहता है, ठीक है। इस क्लू को हम इस बोर्ड में स्टडी करते हैं कि ये मेरे लिए क्या बता रहा है करके। सो विल स्विच ऑफ एंड विल गो टू द स्कीमेटिक्स। सो स्कीमेटिक्स मेरे को क्या बताता है करके देखते हैं, मजा आएगा ब्रदर। ताजा बकरा हलाल करने में बहुत मजा आता है, ये भी हमारे लिए टेबल पे ताजा बकरा है। अभी कौन सा बकरा, बकरे को हलाल करने से पहले क्या करते हैं, हलाल करने से पहले उसको चारा खिलाते हैं, मया करते हैं, थोड़ा खेतों में घुमाते हैं, नहीं हरी पत्ती खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, अरे मेरे बकरे तो अच्छा ताजा मोटा हो जा करके। तो बाद में क्या करते हैं, बकरे को हलाल कर देते हैं। ये बोर्ड का भी हमने मारा, इसको इज्जत दिया, तू डल है बेटा करके इसको इज्जत दिया, इसको थोड़ा मारा, इसको डराया, अभी इसको हलाल करेंगे, माने डिस्प्ले देके पैसा पैसा ले लेंगे। लेकिन क्वेश्चन है ये रेडी होगा नहीं होगा, मतलब मेरे दिमाग के भंडार से मेरे को एक ऐसा चाबी निकालना है जिससे ये बोर्ड रेडी होगा, मेरे दिमाग के खजाने से पूरा एक्सपीरियंस या नॉलेज को निकाल के 5 मिनट ध्यान से सोचना, ये मेरा बोर्ड क्या बता रहा है, ये बोर्ड मेरे लिए क्या क्लू देगा, किस तरह से इस बोर्ड को रिपेयर कर सकता हूं, क्या मैंने बोर्ड को मारते समय टैम्पर कर दिया। अगर ये बोर्ड रेडी नहीं हुआ ना ब्रदर, सच्ची में डर बैठ जाएगा, मारने की वजह से या वॉशिंग की वजह से या क्लीनिंग की वजह से। मारा क्यों बोलो, जब तक ये बोर्ड मेरे पास आएगा ना, किसी का हैंड एक्सचेंज हुआ होगा, कोई कुरियर में डाला होगा, कुरियर वाला डब्बा उठा के फेंका होगा, कोई बैग में लेकर आएगा, गाड़ी में रखा होगा, हम जमकर उसमें गिरा होगा, इधर से इधर ऑफिस में लाके डाला होगा, इतना प्यार से तो नहीं आएगा, करेक्ट। पूरा एंटी स्टैटिक अकॉस्टिक बबल कवर में तो पूरा नहीं आएगा। ये लैपटॉप किसी ने दिया होगा, लैपटॉप को इधर उधर बैग में डाल के 2 3 लैपटॉप के अंदर घुसा होगा, मतलब कुछ तो इसको वाइब्रेशन इफेक्ट पड़ा ही होगा ना बोर्ड को, तो खराब होना तो वही होता, मैं थोड़ी मारने से खराब होगा, मैं तो सिर्फ डराया, रेडी होना तो इधर ही रेडी होगा, करेक्ट। अगर उतना वो गिर के बोर्ड रेडी नहीं होगा तो इधर इतना मार करके कहाँ रेडी होगा, इसको हम रिपेयर करना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है। तो हम सोचेंगे ये स्कीमेटिक मेरे लिए क्या क्लू देता है करके। सो कमिंग टू द स्कीमेटिक्स, हम देखेंगे पावर सीक्वेंस। सो हमने देखा कि पावर सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें पावर ब्लॉक डायग्राम अवेलेबल है। सो लेट अस गो फॉर द पावर ब्लॉक डायग्राम। यस, सो इन दिस पावर ब्लॉक डायग्राम, दिस इज ट्राइंग टू टेल मी फ्रॉम द डीसी कनेक्टर अ वोल्टेज विल बी इंजेक्टेड to a switch MOSFET, from the switch MOSFET it will be going to a charger IC and a battery also can be connected to the charger IC, okay। earlier पहले आप देख सकते थे कि एक coil के बाद आ सकता था, या तो मेरा voltage इधर से आ सकता था Vin, so Vin अगर इधर से आया तो इसका मतलब है my voltage is 19 volts, लेकिन इस condition में क्या है, it is trying to tell me the voltage is coming from the charger IC and it is become B plus, that means when there is a chart, jab ek chart hota hai is tarah se flow hone ka,
इसका मतलब ये फिल्ट्रेशन होके आ रहा है करके। सो देर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप एंड दैट विल बी 13 वोल्ट्स। ओके, सो 13 वोल्ट्स होने के वजह से ये हमारा वीन क्या होगा, ये मेरा वीन है, वीन 13 वोल्ट्स होगा। सो व्हेन 13 वोल्ट्स इज जनरेटेड, मेरा फर्स्ट सेक्शन जो जनरेट होगा वो है मेरा स्टैंड बाई सेक्शन। सो 1225C इज अ क्लू फॉर मी 3 and 13। एंड सिक्स एंड 20 and 12, इतने पॉइंट्स मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, नाउ व्हाई इज दिस सीपीयू ओटीपी, मतलब इट इज अ प्रोटेक्शन, सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल साइंस में जाने का नहीं। क्या है, एक अगर मेरा सीपीयू ओवर हीट हुआ या कोई ओवर क्लॉकिंग हुआ तो मैं इसको टर्न ऑफ कर सकता हूँ, किसको, स्टैंड बाई सी को टर्न ऑफ कर सकता हूँ। मतलब स्टैंड बाई सी में कोई ऐसा पॉइंट है ना जिसको ये टर्न ऑफ कर सकता है। सो वन एंड द बेस्ट विल बी माई पावर गुड। ओके, अगर स्टैंड बाई आईसी को इसने सीपीयू ने ग्राउंड कर दिया, सो ऑटोमेटिक स्टैंड बाई आईसी रिवर्स चले जाएगा, करेक्ट, माने ऑफ हो जाएगा। एलडीओ वोल्टेज अवेलेबल रहेगा लेकिन स्टैंड बाई आईसी ऑफ रहेगा। लेकिन हमारे बोर्ड में तो रीडिंग है 12, मतलब एसबी इज रेडी, 3.3 और 5 आर रेडी। ओके, ये हम देख लेंगे। अगर ये हाफ रहता तो डीसी रीडिंग सिंगल डिजिट में रहता, ये हमारा सिंगल डिजिट में नहीं है। नाउ इतना तो समझ में आ गया, लेकिन इस नेक्स्ट स्टेज क्या जा रहा है करके देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज इट इज गोइंग फॉर माय 3.3 वोल्ट्स ऑलवेज विल बी कन्वर्टेड टू 1.8 वोल्ट्स व्हेन आई गेट पीएक्सएस पावर एनेबल। नेक्स्ट इट विल बी कन्वर्टेड टू 1.5 वोल्ट्स। Next, it will be converted to core section or either one more core section. Okay, इतना तो इधर दिखा रहा है, और कोई सेक्शन है करके देखते हैं। So here AB core, this is my RAM section. So ये मेरे लिए RAM section हो गया। ओके, सो आई एम नॉट इन अ हरी टू गो फॉर द रैम सेक्शन, वीजीए कोर एंड सीपीयू कोर, आई एम नॉट इन अ हरी, इन अ हरी, ये 1.35 वोल्ट्स। ओके, एनीवे, दिस स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम इज ट्राइंग टू टेल मी दैट आई एम अ पावर ब्लॉक। हमारे को क्या चाहिए, पावर सीक्वेंस चाहिए। इसमें तो पावर सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब मेरे को थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। चलो इसके ऊपर थोड़ा दिमाग चलाएंगे, डन। उसको थोड़ा दिमाग चलाने से पहले हम आएंगे इसके ऊपर, क्या, बोर्ड के ऊपर, कि वेदर माई स्टैंड बाय इज रेडी और नॉट। सो फर्स्ट विल गो टू द बैक साइड। सो बैक साइड में डीसी को ऑन किया, डीसी को ऑन करके मेरा डिजिट 5 है। सो लेट अस चेक वेदर आई एम गेटिंग स्टैंड बाय सेक्शन। डोंट वरी, माय हैबिट इज ऑफ यूजिंग ब्लैक प्रोब, सो नेगेटिव पॉजिटिव आया तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मेरा स्टाइल है। 3.3 वोल्ट्स पास, 5 वोल्ट्स इज पास। सो आफ्टर प्रेसिंग पावर बटन, इसका मतलब डीसी टू डीसी स्विच नहीं कर रहा है करके। सो हम एक बार इसको स्विच करेंगे। सो हियर ऑल्सो वी हैव एन ऑन ऑफ स्विच ऑन द लेफ्ट कॉर्नर। एक बार इसको पावर बटन दबाया तो इट इज गोइंग फॉर 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9। सो इसको चेक कर रहे हैं तो ये भी नहीं आ रहा है। सो आई एम नॉट गेटिंग माई डीसी टू डीसी। सो डीसी टू डीसी नहीं आ रहा है तो हम एच डी इमेजेस को देखेंगे, 9981P मेरा एच डी इमेजेस क्या बता रहा है करके। सो हियर दिस इज माई एच डी इमेज। सो विल गो टू द राइट साइड। सो आई वॉज चेकिंग दिस डीसी टू डीसी। सो डीसी टू डीसी में ये क्या है, मेरा आउटपुट है, दिस इज माई आउटपुट।
बिफोर गोइंग टू एनी एक्सपेरिमेंट आई विल स्विच ऑफ द डीसी पावर सप्लाई, विल गो फॉर द कॉइल वैल्यूज, करेक्ट मा? यस सर। बाद में सोचेंगे ना, अब मुर्दे को हम जिंदा नहीं कर सकते, शायद हमारे को सताने के लिए सीपीयू डेड हुआ तो क्या करना, करेक्ट ना? तो सबसे ज्यादा समझदार इंसान, सबसे ज्यादा बेवकूफ भी इंसान ही रहता है, और हम ओवर कॉन्फिडेंस में इतना मार के तोड़ के पूरा चीर फाड़ वस्त्राभरण करके द्रौपदी वस्त्र बन के बाद में बोर्ड को एक्सपेक्ट करेंगे रेडी हो जाएगा तो होगा क्या? नहीं हुआ ना, थोड़ा हमारे को राम भी बनना चाहिए। सो वील गो फॉर द डीसी रीडिंग्स, डीसी को पावर सप्लाई बंद कर दिया है, फर्स्ट वील गो फॉर द कॉइल वैल्यू, स्टैंड बाय पास, स्टैंड बाय पास, ये रैम सेक्शन पास, वन वोल्ट लाइन पास, बायोस पिन नंबर 8 पास, और इधर एक चुंगू मुंगू लगा है ये भी पास, ये पास, ये पास, ये पास, ग्राफ बैटरी पास, ओए शरीक यस पास, ओए लकी ब्रदर, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है करके। अगर शॉर्टिंग रहता तो एक तो भी शॉर्ट रहना ना, करेक्ट नहीं क्या ब्रदर? यस सर। ठीक है, कॉइल वैल्यू तो हमने चेक कर लिया, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। सो हम आरटीसी देखेंगे, यहाँ एक आरटीसी का डायोड है, लेट मी शो यू एन एचडी इमेज। सो ये चला एचडी इमेज, एचडी इमेज में अगर मैं राइट साइड जाऊंगा, इधर एक डायोड लगा है, ये डायोड मेरे लिए टेस्टिंग पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट हम चेक कर लेंगे वेदर शॉर्ट है नहीं है करके। सो यहाँ डायोड के ऊपर शॉर्ट नहीं है, और डायोड आउटपुट में भी मल्टीमीटर देखो शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, मैं दो पॉइंट पे भी रखा हूँ, वन आई एम कीपिंग ऑन द डायोड, अनदर आई एम कीपिंग ऑन द सोल्डर पैड, ये भी शॉर्टिंग नहीं है, तो क्या रिपेयर करना? डीसी डीसी स्विच नहीं कर रहा, अभी प्रिंस जो बोलेगा वही रिपेयर करूंगा। डीसी डीसी क्यों नहीं आ रहा, पहले वो देखते हैं। प्रिंस ये डीसी मेरे लिए क्लू दे रहा है, डीसी मतलब डीसी टू डीसी, डीसी सप्लाई, ध्यान से सोचो प्रिंस। अब एक मैं रिपीट करता हूं, तुम्हारे को दो मिनट का टाइम देता हूं, देखो ध्यान से देखो, डीसी को ऑन किया, हाई रीडिंग याद रखो, हाई रीडिंग 57, स्टेज वन, स्टेज मोड टू में देखो 12, याद रखो 12, इसके बाद आया 5, इसके बाद मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूं 9, मेरे को इतना क्या बताना चाह रहा है बोलो प्रिंस? ये सर बताना चाह रहा है कि ये तुम्हारे लिए एक और क्लू है, आई डोंट हैव पावर सीक्वेंस, मेरे को क्या चाहिए? पावर सीक्वेंस, आई हैव ओनली ब्लॉक डायग्राम, आई डोंट हैव पावर सीक्वेंस। अगर पावर सीक्वेंस मेरे को समझ में आ गया, मैं चिप लेवल इंजीनियर, अगर मैं सिर्फ पावर ब्लॉक डायग्राम पर काम करूंगा, मैं आई एम ए यूट्यूब इंजीनियर। ठीक है, अगर कोई समझता है, मैं 57, 12, 59 को देख के मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, 30 मिली सेकेंड सीख लूंगा, ये पतंजलि होता है। ठीक है, यस सर। पहले ये बोलो प्रिंस, ये मेरा बोर्ड रेडी होगा क्या? यस सर, होगा ना? सेम, तो मैं इंशाल्लाह बोलता हूँ, अल्लाह चाहा तो ये बोर्ड रेडी होगा, हुनर मेरा, मेहनत मेरा, फल इंशाल्लाह भगवान का, अल्लाह का होता, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। डीसी एक और रीडिंग दिया 37, सो आई हैव थर्ड रीडिंग, दिस मच इज एनफ, डीसी को ऑफ करूंगा, दिस मच इज एनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड। अभी आपको दो मिनट का टाइम देता हूं, मेरे को अभी एक पावर सीक्वेंस, एक पांच मिनट पेपर में लो, पावर सीक्वेंस को लिखो और मेरे को बताओ, आप जो बोलेंगे, आईओ प्रोग्राम करना करूंगा, बायोस को प्रोग्राम करना करूंगा, आप सीपीयू रीफ्लो करने बोलेंगे करूंगा, एक डरने का नहीं, तेल लेने का, बोर्ड नहीं रेडी हुआ तो परवाह नहीं,
आप जो बोलोगे वो करूंगा, लास्ट टाइम आपने जो जो बोला उसे किया ना, लेकिन मेरा मकसद है ये बोर्ड रेडी होना, शायद आपके वजह से ही ये रेडी हो जाए, ठीक है। यस सर, ओ 140 सपन तने जागो, नींद भी आ गया, सॉरी ब्रदर, 145 को आपको मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इट इज टू लेट फॉर द मिडनाइट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ प्लीज, सो आई एम गोइंग फॉर द पॉज मोड। बोलो ब्रदर, पावर सीक्वेंस लिखना स्टार्ट करूंगा, आरटीसी आरटीसी, ओके डन, आप जो बोलेगा उसी को ट्रेस करेंगे, ठीक है, आरटीसी। सो हम आरटीसी स्टार्ट करेंगे और आरटीसी को टाइप करेंगे, आरटीसी का वर्क प्लेस, वो डायड है। ये डायोड रहता है, ठीक है। सो विल गो फ्रॉम DC1, सो DC1 मेरे लिए HD इमेजेस में कहाँ दिखा रहा है, यहाँ है, ये इसके नीचे दिख रहा है ना, सो JP12 ये इसके लिए है, चार्ज RTC के लिए JP12 है, और इसका जो आउटपुट है ये मेरे लिए टेस्टिंग पॉइंट है, मतलब ये डायोड का आउटपुट देखना पड़ेगा, सो लेट अस सी द डायोड आउटपुट, RTC डायोड आउटपुट, DC सप्लाई, और ये मैंने ऑन किया, अभी मल्टीमीटर देखना नहीं है हमारे को, DC देखना नहीं है हमारे को, सिर्फ मल्टीमीटर में सॉल्यूशन देखना है, सो इस डायोड का आउटपुट में कितना वोल्टेज है, 3.2 वोल्ट्स, नेक्स्ट प्रिंस है, वो कैपेसिटर आरटीसी रीसेंट एसआरटी रीसेट। RTC रीसेट, SRTC रीसेट, ठीक है माँ, RTC रीसेट, SRTC रीसेट, सो ये मेरे लिए क्लू है कि ये प्लस RTC VCC इधर आएगा, इधर आने के बाद ये इधर फ्लो होगा, ये 3 रेजिस्टर को पार करेगा, पार करने के बाद ये तो इंट्रूडर है, ये आपका कैप के लिए है, ये 2 मेरे को चाहिए जो मेरे को SRTC रीसेट और RTC रीसेट बनेगा, और इसका जो आउटपुट है ये मेरे लिए, ये एक शॉर्ट पैड ME1 करके शॉर्ट पैड है, और इसका जो आउटपुट है ये मेरे लिए क्लू है, CMOS 1, ओके, हम HD इमेज में देखेंगे कि ये कहाँ है करके, अगर मैं HD में जो उसको ओपन करूंगा, ये मेरे लिए इधर ही मिल गया, लो इजी हो गया, मिला, यस सर शाबाश, अभी हम बोर्ड में देखेंगे, ठीक है बेटा, बोर्ड बोर्ड DC बोर्ड, और मतलब ये यहां है ना, इधर सो मैं चेक कर रहा हूं, माइक्रोस्कोप में चाहे तो दिखा दूंगा, 0.65, 0.68, अनदर एंड ग्राउंड, अगेन 5.86, अनदर प्लेस ग्राउंड, अरे ये वोल्टेज नहीं आ रहा है प्रिंस, वो है प्रिंस का बच्चा, कैपेसिटर, सर इसके कैपेसिटर, ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्या देखना पड़ेगा, कैपेसिटर सर, जो हम इंपीडेंस चेक करेंगे सीसी, ना, यस सर, सो लेट अस गो टू द इंपीडेंस, सो मल्टीमीटर DC को ऑफ करो, मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखो, दिस इज ग्राउंड,
अनदर एंड पास, अनदर एंड पास, अनदर एंड ग्राउंड, ये तो वैल्यू ठीक है, तो क्या देखना पड़ेगा? नहीं आना चाहिए, ये वैल्यू रेजिस्टेंस से ठीक आ रहा है है। ना सर, हाँ रेजिस्टेंस से आ रहा है ये। और एक बार कैप में सर हो सकता है फॉल्टी, क्योंकि ग्राउंड में है ना। हाँ ये तो वैल्यू ठीक है ना, शॉर्ट नहीं दिखा रहा है ना। तो फिर रेजिस्टेंस एक साइड में वैल्यू वोल्टेज पूरा आ रहा है, दूसरी साइड में काम आ रहा है। क्यों, क्या देखना पड़ेगा मेरे को, देखना पड़ेगा ये रजिस्टर करेक्ट, यस सर, वेदर दिस इज कमिंग और नॉट, ये देखना पड़ेगा ना, ये आ रहा है नहीं आ रहा है करके। जी सर, सो RC5 RC6 एम आई राइट। जी सर, सो हम अलीग्रो जाएंगे, अलीग्रो में हमने तो विजिबिलिटी पूरा डाल दिया, फाइंड कमांड के पास रखेंगे RC5, RC5 मिला, ये मिला RC5, ये दो छोटा छोटा डॉट दिख रहा है, सब में नॉर्मल है, इसमें जी डॉट है, इसको हम पेंट डालेंगे, पेंट डाल के इसको हम ब्लॉक कर दिया, ठीक है। इधर दिख रहा है देखो, RC5 करके दिख रहा है, अगर इसको क्लिक करूंगा तो RC6 दिख रहा है, सो दिस इज RC6 दिख रहा है, अगर मैं सिर्फ पैड रखूंगा तो RC5 दिख रहा है, अगर इधर मैं माउस रखूंगा तो RC6 दिख रहा है करेक्ट, और ये दोनों कहाँ है, ये धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, एक होल के पास है और यहाँ CPU है, CPU और होल मतलब, और थोड़ा छोटा कम करेंगे, सो वी हैव ऑन द बैक साइड, सो इमेज को लो, इमेज को लेने के बाद इमेज के बैक साइड में देखेंगे, ये होल और इधर कॉर्नर में मे बी दिस टू, सो विल गो फॉर द स्कीमेटिक्स, टॉप लेयर, टॉप लेयर में हम RC5 सर्च करेंगे, RC5 RC58 RC5 RC6 मिला, यस सर, RC5 RC6 है, सिर्फ होल के एग्जैक्ट बाजू में, लेफ्ट साइड एक कैपेसिटर, राइट साइड एक कैपेसिटर, सो HD इमेज में देखते हैं, लेफ्ट साइड एक कैपेसिटर, राइट साइड एक कैपेसिटर करेक्ट, सो ये यस मेरा सर, है, सो लेट अस चेक दिस वेदर दिस, ये एक एंड दोनों कॉमन है, ध्यान से देखो, ये एंड दोनों कॉमन है और ये एंड में एक लाइन गया है, ये एंड में एक लाइन गया है, सो दिस मस्ट बी आवर RTC VCC, दो दिस इज माई टेस्टिंग पॉइंट करेक्ट, यस सर, गुड। इतना चुंगू छोटा, सो हम क्या करेंगे, हमारा इमेज के ऊपर जाएंगे, सो बोर्ड और DC सप्लाई और मेरा कैमरा, सो बोर्ड को घुमाओ, बोर्ड को घुमाया, सो रेजिस्टेंस शायद दिख नहीं रहा है कैमरा में, क्यों, इसीलिए मैं HD इमेज दिखा रहा हूँ, आपको चाहिए तो मैं इसमें दिखा दूंगा माइक्रोस्कोप में, हियर रजिस्टर, रजिस्टर के पास वोल्टेज बहुत कम आ रहा है ना प्रिंस, तो टेस्टिंग पैड पर कितना आ रहा है? ये दिखा रहा है 150, कितना दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है, 41 वोल्टेज, 45 वोल्टेज, क्या दिखा रहा है, 128, 129, अरे बहुत कम दिखा रहा है, एक बार ऑन करते हैं ना, नहीं आना चाहिए, 89 आया, अभी वोल्टेज देखते हैं, 200, मैंने ट्रिगर करने के बाद ये 200 आ रहा है, DC लाइट में लाइट भी चालू हो गया, दिख रहा है, यस सर, आ गया, नहीं दिख रहा है, ऑफ हो गया वो, फिर ऑन कर, अरे आ गया, फिर आ गया लाइट, लाइट आ गया, तो क्या प्रॉब्लम है प्रिंस, ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, बैटरी करेंगे सर, ये वोल्टेज यहां नहीं आ बैटरी रहा है, यहां आ रहा है ना, दिस इज पास,
यहां नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, मैं फिर आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखो, बोर्ड को घुमाया, उसी डायोड का आउटपुट में देखेंगे वोल्टेज, दिख रहा है वोल्टेज आ रहा है, जी सर, तो क्या करना पड़ेगा? सर उसके आउटपुट में भी एक कैपेसिटर है ना। अरे वोल्टेज बन रहा है ना, कैपेसिटर फॉल्ट रहा है तो वोल्टेज नहीं बनेगा ना। वो प्रिंस पुत्र वो खुद बता रहा है ना, मैंने उधर से एक लाइन खींचा है ना, आरटीसी वीसीसी उधर का इधर आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जम्पर मारेंगे ना। मैं राइट और रॉन्ग, अगर यहां यस वोल्टेज आ सर, रहा है, यहां नहीं आ रहा है, मतलब इसके यहां जम्पर मारना है। जंपर मारे नको, माइक्रोस्कोप में दिखाओ। माइक्रोस्कोप में क्या दिखाऊं माँ? वो रेजिस्टेंस वाला हाँ दिखाता हूं, ये चलो आपका माइक्रोस्कोप गया, ठीक है। सर, ट्रैक कटा हुई हुआ ना, ये वाला, यही ट्रैक। ए, करेक्ट है, ये ट्रैक कटा हुआ है, और यहाँ ये टेस्टिंग पॉइंट है ना। करेक्ट है। ए, प्रिंस से करेक्ट जय। सो हम इधर ब्लेड में खींचेंगे ना, करेक्ट नहीं क्या प्रिंस? यस सर, चलो इसको बेन में खींचते हैं। क्या प्रिंस, कितना स्मार्ट है आप, पहले से हुशियार था या कैसा, देशमुख के साथ मिलकर हुशियार हो आप गए? देशों के साथ मिलकर हुशियार हो रहे। इसे बोलते हैं चिप लेवल इंजीनियर, इसे बोलते हैं प्रिंस पुत्र, ठीक है। अभी हम मल्टीमीटर में चेक करेंगे इधर वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है करके, करेक्ट है? यस सर, डन। डीसी को ऑन करो, ये चला डीसी मेरा, और डीसी को ऑन करके हम इधर दोनों एंड में वोल्टेज देखते हैं, शायद सबको सुलाने का जल्दी टाइम आ गया। सो वन एंड 3.3 वोल्ट्स, अनदर एंड नो वोल्टेज, करेक्ट है प्रिंस? चाक दे वटे पुत्र, हम क्या करेंगे, ये हमारा जो डिसोल्डरिंग विक है ना, क्या प्रिंस, यस सर, डिसोल्डरिंग विक को यस ही सर, हम उधर जंपर मारेंगे, ठीक है बेटा? जी सर, डिसोल्डरिंग विक में ये बहुत फास्ट जंपर पड़ता है डिसोल्डरिंग विक, और इसको लेके हम एक जंपर मारेंगे। चल आजा हज, जिसकी नियत उसकी बरकत, ओके। सो मैं यहां मार रहा हूं जंपर, जंपर मारने से पहले इसको थोड़ा लेड बना लेंगे, ठीक है, लेड बना के इधर जंपर मारेंगे। चल बेटा, प्रिंस बोला रेडी होना मतलब रेडी होना, इसको बोलते हैं लाइव केस स्टडी, करेक्ट? यस सर, मैं चाहता हूं दूसरे इंस्टीट्यूट वाले भी अपने बच्चों के साथ इसी तरह से लाइव केस स्टडी करें, और बच्चों का कितना नॉलेज है करके एग्जाम्पल प्रैक्टिस भी करें, नहीं क्या प्रिंस? जी सनी पुदर सो गया क्या? सर, नहीं सोया तो गाना गाओ ना, अरे सब लोग पिछली बार क्लास में हैं, गाने के वजह से सब खुश हो गए थे। सर, हाँ वो कोच, माइक्रो वाला सोल्डिंग है, उनका पेन चाहिए सर, मुझे भी मिल नहीं रहा है मेरे इधर।
क्या ये सॉल्ट रहे हैं मैं। हाँ, तो एड्रेस वेड्रेस बताओ ना सर, कहाँ से परचेज करूँ। ये तो बैंगलोर में मिलता है ना, सब जगह मिलता है। नहीं नहीं सर, हमारे इधर नहीं मिलता ना, बहुत नहीं चाहिए ना, तुम्हारे पास नहीं मिला था। खो जाए। मेरे पास सोल्ड्रॉन का है, लेकिन वो बहुत मोटा है वो। पतला वाला मिल जाएगा ना, कहीं पर नहीं मिलता बेटा। यहाँ देखो डिसॉल्टिंग ओके लिक्विड चलो क्या देखता मस्त हूँ होता है। सर। ये हुआ डिसॉल्टिंग लिक्विड। भाई जी मोबाइल एक्सेसरीज वाला हो ना, तो उसके पास ये पतला वाला सोल्डर मिल जाएगा। करेक्ट, मोबाइल से ही लेता हूँ ना मैं ये पूरा गैजेट से। ये चलो जम्पर डाल दिया, ओके ओके, मैं पेंट्स एक बार और। ये चला जम्पर, और ये मैंने कट किया। जालू ने एक जबरदस्त चीज एयर ब्लोअर दिलाया है मेरे को बहुत खुशी हुआ। ये मस्त काम भी करता है, दिखाता हूँ पंप करके कितना फास्ट पाक करता है करके। ये लो पंप करता हूँ, देखो सॉकेट अभी डीसी को ऑन करें। है ना सर? ये चला डीसी, 6 वापस 6। अभी ट्रिगर करेंगे ना। हो, अरे चाक फिर दे से वन बटे नहीं आया, पुत्र, प्रॉब्लम तुसी सॉल्व हो नाल गया ग्रेटी। सर। क्लू था 57 नहीं आया, इसीलिए वो मतलब जल्दी वो ट्रिगर। ए शाबाश बेटा, इसको बोलता है ये फेस का बच्चा। हम क्या करेंगे अभी, इसको डालेंगे मैजिक गम। ये प्रिंस कितना इम्प्रूव हो गया है जी, मैं सोचा नहीं था प्रिंस इतना फास्ट है, इतना इम्प्रूव होगा करके। लेकिन प्रिंस मेरा, मुझे मुझे लगता है प्रिंस एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा करके। बस फीडबैक के लिए टाइम नहीं है ना प्रिंस के पास। है ना सर, बनाएंगे ना सर। ये पतंजलि किसी और को देना। जटदी जुबान है ना, दुखता नहीं। आपके घर में पूरा खुश होते ना तुम्हारा, तो यूट्यूब में तुम्हारा नाम सुन के। अरे नहीं यहां देखो कितना फास्ट है, सूख गया ना निका जी देशमुख। ये ये एकदम पत्थर के जैसा हो जाएगा अभी। हाँ सर, दो सूख गया, पाउडर भी निकल रहा है। एनीवे सो हमारा माइक्रोस्कोप का काम खत्म। नहीं चाहिए ना माइक्रोस्कोप, मतलब पावर सीक्वेंस का मतलब समझ में आया आपको? ये अलीग्रो का फायदा समझ में आया? अलीग्रो से हेल्प हुआ सर। हमारे को, पावर सीक्वेंस से हेल्प हुआ हमारे को, और ये बोलता है मैं खुद निकल गया करके। चलो अभी बोर्ड को डिस्प्ले देखते हैं। विल कनेक्ट द रैम। ये चला मेरा रैम, और क्या चाहिए? इस बोर्ड को सीमोस चाहिए ना, सो सीमोस से देखते हैं को अच्छा वाला नया डालेंगे। ठीक है, बिल्कुल नया 3.2 वोल्ट ₹40 सीमोस। वाला, और ₹40 वाला। अच्छा हाँ 40 रुपए वाला सीमोस डाला, 9981P, मतलब बिना स्क्रीन के डिस्प्ले नहीं देगा। ये रहा मेरा स्क्रीन भी तैयार है। आप यकीन नहीं करोगे स्लिक कैमरा से कितना बोर्ड रेडी किया, मालूम? लेटेस्ट कौन सा भी एसओसी बोर्ड आ जाए, एक झटके में इसको मेरे से रिजल्ट मिलता है। अभी रिसेंटली खाइजर ने भी मंगाया है 28,000 करके। मैं बोला फिकर ना करो बेटा, तुम पैसा भी इनकैश कर लेगा करके बोला मैं। चलो वेरी गुड प्रिंस, सबका नींद का इज्जत रख लिया आप आज। सो प्रेस द सर, डीसी। अभी मकसद क्या है? मकसद डिस्प्ले शटडाउन होना है बोर्ड।
3 बार एक बार हुआ तो काफी है। लवेन आया तो बोर्ड रेडी करके, सो बोर्ड को ऑन किया, लेट अस सी वेदर इट विल शट डाउन। वेट वेट बेबी वेट, इतना मारा है फिर भी शर्म नहीं आता था भाई इस बोर्ड को डिस्प्ले जो होता है, क्या करना जी है? बेशरम बोर्ड है, इतना मारा तो भी डिस्प्ले देता। सर मैं सोनू फोर शट डाउन करेंगे, चलो फोर शट डाउन। यस बीप बी, अब एक बार अरना बीप का जिक्र लिया ना एफएस से निकाल दूंगा। आज तक एफएस सॉल्यूशन कोई बीप को नहीं देखता है। नहीं सर वो सीमोस नहीं रहता है ना, वो फर्स्ट टाइम ऑन होने के बाद एफएस सीमोस का सॉल्यूशन गेम में बीप कोई भी देखता बीप है। नहीं देखता है, वो बच्चे देखते हैं। वो दिल्ली में कोई सीख के आता है ना, वो बच्चे के लिए बीप पतंजलि 3 बीप 5 बीप 7 बीप। साहब मेरे को कोई एक डीलर भी मेरे को स्पीकर नहीं दे तो बीप को कैसा पकड़ूंगा मैं? हो दो शट डाउन हो गया, गया बोर्ड फिर रेडी डिस्प्ले है। आया ना। हाँ आया ना, हो गया, 3 बार रिस्टार्ट हो गया। हो गया ना। अभी देखो इधर घुमाता ना मैं, जी 3 बार रिस्टार्ट है वो एसओसी में होता है, इसमें देखते हैं। आया देखो डिस्प्ले आया अच्छा सर आ गया, ना, स्क्रीन अभी खराब 3 सेकंड में है। डिस्प्ले कभी देगा। कभी किसी में 4 बार भी होता था सर रिस्टार्ट। हाँ अभी देखो। नया वाला मॉडल, और नया वाला मॉडल अभी इसमें देखो मेरे को 3 3 सेकंड में डिस्प्ले आना चाहिए। सो मैं शट डाउन कर रहा हूँ, बोर्ड को शट डाउन किया। 3 से रीडिंग चाहिए था मेरे को, 11 मैं बोला था याद है, 11 आना चाहिए करके। 3 सेकंड, 1 2 3, अगर किसी ने बयास किया है तो नहीं आएगा, अगर बयास को एमई क्लीन कर दिया तो 3 सेकंड में डिस्प्ले आ जाएगा। डिस्प्ले आया, अभी 3 सेकंड में नहीं आया ना, इसको सॉल्व करना है। लेट। अब एक बार शट डाउन करते हैं फिर ऑन करते हैं, और ये चला, 1 2 3, नहीं आया, मतलब ये एमई क्लीन नहीं है, इसको अभी हम एमई क्लीन करेंगे। इतना सेकंड टाइम नहीं है हमारे पास, इतना अच्छा केस सॉल्व किया, बहुत सेकंड्स के बाद आ रहा है। डन, इसको हाफ करेंगे हम और ये हीरो का एमई क्लीन करेंगे। सो टर्न द बोर्ड, रिमूव द डीसी जैक। सो इसमें मेरे ख्याल से सिंगल बायोस है, सो वी हैव अ सिंगल बायोस हियर एंड वी आर गोइंग टू क्लीन द एमई। सेल तो नहीं निकाला, नहीं तो चलेगा। वो एक कामिल का बच्चा, हाँ मैं डीसी को ऑन कर ऑन करके मैं डीसी रनिंग में ही बायोस चेंज कर देता हूँ। आप तो सेल के पीछे पड़ा है ना, काम करने तो दो, अभी ऑन नहीं किया ना। मैंने भी कर दिया था तो एक बार बायस करप्ट हो गया था, अच्छा अच्छा लो डीसी को ऑन डिस्प्ले किया। हमारा मकसद है 3 सेकंड में ऑन लाना, ये लगाया,
और ये पावर बटन चला मेरा हीरो अमिताभ बच्चन ऑन, 3 सेकंड के लिए वेट करेंगे, जब शटडाउन होगा तब डालेंगे हीरो को, 1 2 चल 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 शटडाउन हो जा, हज 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 तो रे तारीख। ओके ये रीडिंग मेरे लिए सही है, अभी सीमॉस लगाऊंगा। फिर 4 शटडाउन, यस 4 शटडाउन, नेट ट्रिगर, यस शटडाउन हुआ, अभी ऑन होगा। yes, sir. अभी कैमरा देखते हैं 3 सेकंड में डिस्प्ले आ रहा है क्या, आ गया ना, आ गया ना 3 सेकंड में डिस्प्ले, यस सर डन। हाफ करते हैं, ऑन करते हैं, और ये मेरा लोगो हज, 1 2 आया ना, 2 सेकंड में आ गया। सो केस सॉल्व, कंग्रेचुलेशन। सो ये डीसी ऑफ, लैपटॉप रेडी, ये हम सब कैमरा को क्लोज कर देंगे।